मैंने अभी अभी 12th क्लियर करी है एंड मैंने अभी CUET दिया है, सो आई एम वेटिंग फॉर DU के रिजल्ट्स एंड फॉर कॉलेज अलॉटमेंट्स. ओके, तो सो ऑल राइट. हे गाइस, व्हाट्स अप एवरीबॉडी, माय नेम इज आर्यन एंड यू आर वॉचिंग योर ओन चैनल. तो गाइस, आ चुके हैं हम आज दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, DDU इसकी शॉर्ट फॉर्म है, और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आता है ये कॉलेज. ठीक है, तो इसकी NIRF रैंकिंग भी अराउंड 22-23 गई है इस बार. तो इसका आज हम अच्छे से कैंपस टूर करने वाले हैं. लोकेटेड है हमारा ये द्वारका सेक्टर 3, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है हमारा द्वारका मोड़. वहाँ से रिक्शा करोगे, रिक्शा 10-15 रुपीज़ आपसे वो लेता है, तो यहाँ पर आपको छोड़ देगा. ठीक है, तो हर चीज़ कवर करने वाले आज अच्छे से. मेरा एक फ्रेंड है आदित्य, ठीक है, इसी कॉलेज में पढ़ता है, CS उसकी ब्रांच है और 3rd ईयर का स्टूडेंट है. तो एक बार उससे पूछते हैं क्या क्या हम आज कराएंगे कैंपस टूर में. तो चलिए, तो हेलो आदित्य, एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दे. यहाँ अभी मैं 3rd ईयर में हूँ और मेरा कोर्स है BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस. हाँ, तो बढ़िया है. चल, आज का हम कैंपस टूर करेंगे, तो इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दे क्या क्या करेंगे हम. आज हम यहाँ पे हॉस्टल्स देख लेंगे, कैंटीन देख लेंगे, फिर अंदर एक इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वो देख लेंगे. हाँ, लैब वगैरह तो ये बंद है, लेकिन उसकी फोटो वगैरह तो मिल जाएगी. इस बार लैब में भी अपडेट हुआ है, नए नए कंप्यूटर सारे आए हैं. बाकी फिर एक जिमनेजियम है, वहाँ चले जाएंगे, अंदर क्लास में विजिट कर लेंगे हम लोग. बाकी ऑडिटोरियम में जो फंक्शंस होते थे उनकी क्लिप्स भी लगाई देंगे, है ना. हाँ, वो ऑडिटोरियम में तो वो उसका एक समय आता है, बस क्लिप ही क्लिप होते रहता है ऑडिटोरियम में, मतलब बहुत मजा आता है. हाँ, तो चल बढ़िया है, ये तो हमारा कैंपस का ओवरव्यू हो गया. बाकी तेरे को 2 साल तो यहाँ हो गए कॉलेज में, तो तेरा कैसा अभी तक का एक्सपीरियंस है कॉलेज लाइफ के मामले में. फर्स्ट सेमेस्टर तो ऑनलाइन ही गुजरा कोविड में, उसके बाद से मतलब जब से खुला है तो काफ़ी सही है. मतलब जितना स्पेस है इस हिसाब से, मतलब जैसे बहुत चीज़ होती है, जैसे वॉलीबॉल का टूर्नामेंट हुआ था, टेबल टेनिस का टूर्नामेंट होता है, मैंने पार्ट लिया था उसमें, वॉलीबॉल का होता है, क्रिकेट होता है यहाँ पे, अभी नई फेंसिंग सिखाई जाती है इस एरिया में. ये मतलब एक मल्टीपर्पज एरिया, यहाँ पे बास्केटबॉल भी बच्चे खेलते हैं. ऐसे ब्रेक टाइम में ये 1 बजे ब्रेक होता है तो ये एरिया पूरा भरा हुआ रहता है बच्चों से. मतलब काफ़ी सही है ओवरऑल, टीचर्स वगैरह भी सही हैं. वो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा ब्रांच है, ऐसे BCOM के, मैथ्स के, कुछ कुछ मतलब बहुत ही अच्छे टीचर हैं, मतलब बहुत ही ज्ञानी है, और बाद बाकी मज़ा आता है उनके क्लास में. EVS के टीचर हैं वो अच्छे हैं, बाद बाकी सारे टीचर डिसेंट है, ठीक ठाक है. मेरे CS के टीचर भी ठीक ठाक है, उस सेमेस्टर पर डिपेंड करता है. अच्छा, बाकी ये हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी में आता है तो उसके क्या क्या एडवांटेज मिल जाते हैं. एडवांटेज है कि अब जैसे इसका तो NIRF अभी 22-23 है, तो मतलब ये CS के लिए, ये मतलब हंसराज के बाद ये एक डिसेंट सा कॉलेज है CS के लिए. लैब वगैरह भी अपडेटेड है यहाँ पे, तुम्हारे जितनी भी लाइब्रेरी है, क्लासरूम है, लैब से सब में AC है. और DU का है तो इससे मतलब एक DU का तो कॉलेज हमेशा अच्छा ही होता है, और ये DDU हमारा अच्छा कॉलेज है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इसका बहुत सही है. अभी ये देख सकते हैं कि ये अभी काम चल ही रहा है, इससे अपडेट हो रहा है, ये जो कुछ टूट फूट गया था वो सही हो रहा है. हाँ, तो चलो एक बार फिर कैंपस टूर करा देते हैं सबको अच्छे से, है ना. चलो, हॉस्टल के सामने तो बेसिकली एक गर्ल्स हॉस्टल है, एक बॉयज़ हॉस्टल. तो ये हमारा गर्ल्स हॉस्टल है पूरा, और ये वाला हमारा बॉयज़ हॉस्टल है, तो दोनों साथ साथ है. यहाँ की अगर थोड़ी बहुत फैसिलिटीज़ की अगर बात करें तो बेसिकली बेसिक फैसिलिटीज़ तो सारी कवर हो जाती है. सारे रूम्स में यहाँ AC लगे हैं, ठीक है, सफाई वगैरह अच्छे से, हाइजीन का अच्छे से ध्यान रखा जाता है, खाना डिसेंट है यहाँ का. बट एक चीज़ की कमी है, जो कि है यहाँ की फ़ीस. 1.5 लाख की यहाँ आपकी 1 साल की हॉस्टल फ़ी है, जो कि आपके कॉलेज की फ़ी से कई गुना ज़्यादा है, ठीक है. तो इस चक्कर में काफ़ी बच्चे तो बाहर PG फ्लैट लेके रहते हैं, बहुत सारे PG फ्लैट्स आपको बाहर मिल जाएंगे कॉलेज के. बट अंदर ये है काफ़ी इसके एडवांटेजेस भी, एक तो कॉलेज के अंदर है, सिक्योरिटी आपकी थोड़ी ज़्यादा रहेगी. फिर काफ़ी इवेंट्स फंक्शंस होते हैं जो सिर्फ हॉस्टल वालों के लिए होते हैं, तो वो सिर्फ हॉस्टल वाले ही इंजॉय कर सकते हैं उस चीज़ को, बाहर वाले नहीं कर सकते. रात में 8 बजे तक आ जाना होता है. हाँ, रात में 8 बजे तक यहाँ पे आ जाना होता है. ये कर्फ्यू टाइमिंग है यहाँ की. हाँ, रात में. चलो, थोड़ा सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से थोड़ा यहाँ ज़्यादा रखते हैं, बट लेकिन फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पूरी मिलेगी, ठीक है.
गाइस अब बात कर लेते हैं अपन कैंटीन की। तो बेसिकली यहाँ दो कैंटीन है हमारी, एक तो मेन कैंटीन जो कॉलेज की हो गई, एक ये है हमारी अमूल, तो बहुत फेमस है अमूल। यहाँ पे मोस्टली कैंटीन से ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं, ये हमारी मेन कैंटीन देखने को मिल जाएगी इधर, ये हमारा ग्रीन कैफेटेरिया है, बाकी वर्कर है। हाँ, तो ये हमारे वर्कर सर हैं। ठीक है, तो ऊपर आपको यहाँ देखेगा, यहाँ हमारा बैंक भी देखने को मिल जाता है। अगर यहाँ के खाने की बात करें तो खाना हमारा डिसेंट है, और जो खाने का प्राइस है वो काफ़ी रीजनेबल है, काफ़ी रीजनेबल। ठीक है, बाकी आपको अंदर मेन्यू वगैरह दिखाते हैं इनका, चलिए एक बार चलिए। ये हमारा स्टेशनरी है, यहाँ कैंटीन के बगल में ही है। ऐसे यहाँ पे नॉर्मल सारी जिसको पेन पेंसिल वगैरह मिल जाते हैं, और ये इमरजेंसी वगैरह बहुत काम आते हैं, जैसे आपको फैक्ट से फोटो कॉपी चाहिए, जीरोक्स चाहिए किसी चीज़, क्वेश्चन पेपर वगैरह जो भी है, एग्जाम टाइम पे यहाँ से बच्चे नोट्स वगैरह कॉपी कराते हैं, और रेट यहाँ पे सही है, ठीक ठाक रेट है। और एग्जाम टाइम में तो बहुत भीड़ रहती होगी, एग्जाम में तो लगती है भीड़। मतलब यहाँ पे वो छोटे बड़े सामान जैसे ईयरफोन वगैरह खेलने के लिए, टेनिस बॉल वगैरह ये सभी मिल जाते हैं। अच्छा, चलो बाकी आगे का टूर कराते हैं। यहाँ पे हमारी सारी क्लासेस होती है, यहाँ आपको लैब्स देखने को मिल जाएगी, एडमिन ब्लॉक देखने को मिल जाएगा, मतलब कॉलेज का 80% पार्ट यही कवर हो जाता है हमारा। ठीक है, तो इसका आपको एक बार अंदर से टूर कराएं। गाइस ये है हमारी डीडीयू की क्लासरूम, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरी क्लास है। ऊपर आप देखेंगे तो सेंट्रलाइज एसी और प्रोजेक्टर देखने को मिल जाता है, तो क्लास का माहौल तो काफ़ी अच्छा है। पीछे हमारे यहाँ पे वाइट बोर्ड देखने को मिल जाएगा, सिटिंग अरेंजमेंट्स आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है यहाँ की सिटिंग अरेंजमेंट्स। बाकी देखो लेक्चर हॉल ना वेरी करते हैं, साइज़ अलग अलग होते हैं सबके, तो ये एक साइज हो गया, बाकी अगर और आगे देखने को मिलेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, चलिए आगे का क्लिप्स वगैरह दिखाते हैं। मेरे साथ अश्मिता एक बार अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। हेलो गाइस, आई एम अश्मिता, मैंने अभी अभी 12th क्लियर करी है, एंड मैंने अभी CUET दिया है, सो आई एम वेटिंग फॉर DU के रिजल्ट्स एंड फॉर कॉलेज अलॉटमेंट्स। ओके, तो बेसिकली आप किस पर्पस से आज यहाँ पे आए हो? आज मैं यहाँ इस कॉलेज में, सो DU में देयर इज वन थिंग कॉल्ड ECA जो कल्चरल कोटा होता है, उसके लिए वी हैव टू गिव ट्रायल्स। तो इन कल्चर कोटा देयर इज, इसमें स्पोर्ट्स भी होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक एक्स्ट्रा को-करिकुलर एक्टिविटीज। तो मैं यहाँ पे डांस का देने आई हूँ, आई डू कथक, तो मैं यहाँ पे डांस के ट्रायल्स देने आई हूँ। तो पहले वी हैव टू फिल ऑन द पोर्टल सम सर्टिफिकेट हमें अपलोड करने होते हैं, उसके बाद यहाँ पे आके दे ये लोग हमारे उस सर्टिफिकेट के हिसाब से हमें मार्क्स अलॉट करते हैं, और उसके साथ साथ हमें परफॉर्मेंस भी देनी पड़ती है। तो आपके ट्रायल्स हो गए? हाँ जी। तो ये आपका जो CUET होता है, ये होता है, ये अलग अलग होता है CUET के बेसिस पे? CUET मेन होता है, उस पर उसके मार्क्स होते हैं, और उसके बेसिस पे कॉलेज अलॉट होता है, बट कल्चरल कोटा जो होता है या एक्स्ट्रा करिकुलर कोटा जो होता है, तो इसमें जो हमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, या फिर इफ फॉर एग्जांपल मेरा ए कॉलेज में हुआ है तो मैं कल्चरल कोटा लग रहा है, तो ये भी आई कैन गो टू एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाते हैं लाइक बोनस। मतलब CUET तो है ही, ये CUET बट मेन है। अच्छा, ओके। तो आपका कैसा हुआ ट्रायल्स? मेरे बहुत अच्छे गए ट्रायल्स, इनिशियली आई वाज नॉट, आई डोंट थिंक सो, वो रिकॉर्ड कर रहे हैं बट आई डोंट नो, तो ऑफिशियल के लिए हो रहा है, ऑफिशियल रिकॉर्डिंग हो रही है। थैंक यू सो मच। हमारे लाइब्रेरी है, ठीक है, तो बेसिकली लाइब्रेरी की अगर बात करें तो टाइमिंग्स आपकी कॉलेज की है, मंडे टू फ्राइडे यहाँ पे आपका ओपन रहता है, वही 9 से 5 की टाइमिंग है।
आप यहाँ से अपनी बुक भी इशू करा सकते हैं, सारे कोर्सेज की बुक्स आपको यहाँ अवेलेबल मिल जाएंगी, फुली सेंट्रलाइज्ड है, बाकी आपको ग्लिम्स वगैरह मिल जाएंगे आगे का टूर कराना। तो गाइस चलो बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स की, ठीक है। तो बेसिकली दो टाइप के स्पोर्ट्स होते हैं, एक हमारा इंडोर हो गया, एक आउटडोर हो गया। आउटडोर में बेसिकली सारे कवर हो जाते हैं हमारे यहाँ, चाहे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, फिर बाकी बास्केटबॉल वगैरह भी हो गया, सब कवर हो जाता है। बात कर लेते हैं इंडोर की, तो इंडोर में जैसे आप देख सकते हैं पूरा एक अच्छा सा रूम बन रखा है यहाँ बड़ा सा, तो बैडमिंटन खेलने को मिल जाएगा आपको यहाँ पे, आपको टेबल टेनिस खेलने को मिल जाएगा, एकदम बाहर जाएंगे तो स्क्वैश कोर्ट मिल जाएगा, जिम मिल जाएगा, तो बेसिकली सारी फैसिलिटीज स्पोर्ट्स को लेके अच्छी है यहाँ। तो आदित्य भाई कुछ और बोलना चाहोगे स्पोर्ट्स को लेके? तो अच्छा है सब? हाँ सब सही है, बाकी आपको ग्लिम्स वगैरह दिखा देंगे यहाँ के, आगे का टूर करा देंगे। बस फील्ड थोड़ी सी आउटडोर के लिए छोटी है, लेकिन ठीक है, हो जाता है काम। चलो हाँ यार ठीक है, बाकी तो बढ़िया है। तो गाइज इसी के साथ हमारा DDU का कैंपस टूर इन डेप्थ खत्म होता है। आपको सबके ग्लिम्स मिल गए, चाहे वो लाइब्रेरी हो गई, कैंटीन हो गई, लैब्स, क्लासरूम्स, लेक्चर हॉल्स, सब कवर कर लिया हमने। कुछ स्टूडेंट्स के इंटरव्यू भी लिए, वो भी आपको होपफुली सब समझ आ गए होंगे, ऑनेस्ट रिव्यू थे सबके, ठीक है। बात कर ली यहाँ के पार्किंग की, तो पार्किंग आपकी स्टूडेंट्स की यहाँ हो जाती है, जैसे आप देख सकते हैं पार्किंग इन है, बाकी वहाँ नीचे जाके भी आपका अंडरग्राउंड पार्किंग होती है, ठीक है। गाड़ी बाइक वगैरह सब ला सकते हैं स्टूडेंट्स वगैरह भी, कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर मैं अपना पर्सनल इंटरव्यू दूँ थोड़ा सा इस कॉलेज को लेके, तो कॉलेज देखो, कॉलेज लाइफ तो चिल है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी अच्छा है काफ़ी, क्योंकि अभी 2017 में बना, पहले कहीं और था, ठीक है। कॉलेज अच्छा है, मेरे को तो लाइक अब इस कॉलेज को कंसिडर कर सकते हैं, CUET के बेसिस पे आपका इन कॉलेजेस में एडमिशन होता है, और आसपास आपको घूमने की काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे वेगस मॉल हो गया, द्वारका मोड़ मार्केट हो गई, ट्यूसडे मार्केट लगती है हमारे यहाँ, फ्लैट PG वगैरह के मैं उसके बारे में आपको बता ही चुका हूँ। कॉन्टैक्ट चाहिए हो मुझे, इंस्टाग्राम ID डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं आपको अच्छा PG वगैरह सजेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पूछ सकते हैं। टिल देन बाय।